जीन नॉक आउट, ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है ना। देन जीन नॉक इन, ये टोटली अलग है, ठीक है। नॉक इन और नॉक डाउन, इसी को कहते हैं जीन एडिटिंग। तो इस पर कैश भी कल अच्छे से बता दिया है ना, जीन एडिटिंग। अभी छोटा सा पार्ट रह गया ट्रांसजेनिक माइस का, ट्रांसजीन जिसको बोलते हैं, ट्रांसजीन, ट्रांसजीन। एंड देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसजीन इनटू अनदर एनिमल, मतलब टोटली द स्पीसीज इज डिफरेंट, स्पीसीज इज डिफरेंट। देन दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांस, ट्रांस मीन्स अदर जीन। फॉर एग्जाम्पल इफ आर इंट्रोड्यूसिंग माइस टू माइस, दिस इज नॉट ए ट्रांस जीन, राइट। बट इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम जीन फ्रॉम बैक्टीरिया प्लांट्स ह्यूमन टू द माइस, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांस जीन, राइट। सो दिस कैन बी assumed as a knockout or not. So mostly transgenic mice are prepared by the knockout strategies. Okay, so ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अभी एक नई क्लासिफिकेशन। These are the different type of genetics for which we are creating the mutation. What is the purpose of creating the mutation? Okay, so forward genetics. Forward genetics means phenotype to genotype. Never reverse this fact. Okay? Getting my point? Phenotype to genotype. कई लोग इसको reverse genetics समझ लेते हैं. This is not the reverse genetics. Yes, okay? Clear beta? This is not a reverse genetics. This is a genetics. Forward genetics. Phenotype to genotype. Reverse genetics जब हम mutant phenotype create, genotype create करते हैं, and then we are studying the phenotype. So gene knockout, reverse genetics, strategy of reverse genetics. कितना बड़ा point है, कितना बड़ा point है। Gene knockout is strategy of reverse genetics. Every day you are learning something new, है ना। This is the reverse genetics. Gene knockout is a strategy of reverse genetics. So whatever the transgenics we are producing, transgenics, this is the best example of reverse genetics. Voice break to nahi ho rahi beta? No sir. Reverse genetics. No. Voice break to nahi ho rahi na? No sir. Sir, yani ki reverse genetics. Now it is. Reverse genetics में हम लोग ये करते हैं कि mutant phenotype, जो genotype है उसको हम wild phenotype में convert. अच्छा। नहीं 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 ये नहीं, म्यूटेंट जीनोटाइप में देखते हैं, देन सी द इफेक्ट। फिनोटाइप में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, अगर म्यूटेंट जीनोटाइप है देन इट विल बी ऑटोमेटिकली गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तुम नॉकडाउन में क्यों चले गए, हम नॉकआउट की बात कर रहे हैं। ओके, तुम नॉकडाउन में क्यों जा रहे हो बेटा? नॉकडाउन में फिनोटाइप को ही कंट्रोल करते हैं, नो जीनोटाइप, म्यूटेंट जीनोटाइप तो होता ही है नॉकडाउन। कल बताया तो था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। नॉकडाउन जो होता है इट इन्वॉल्व ओनली इनहिबिटर आरएनए, ठीक, टू डाउन द एक्सप्रेशन, डाउन द एक्सप्रेशन, डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन और इनहिबिट द एक्सप्रेशन। देर इज नो म्यूटेंट, नो जेनेटिक म्यूटेंट इज क्रिएटेड। यही तो तीन दिन से पढ़ा रहा हूं, एक लाइन लिखा हुआ खाली और मैं तीन दिन से पढ़ा रहा हूं। भाई एक चीज तो क्लियर हो जाए कि है क्या ये चीज, ठीक है बच्चों। दिस इज ए best example of reverse genetics which is knock out. Knock out is a best example of reverse genetics because
यू आर क्रिएटिंग म्यूटेंट, म्यूटेंट ना भी कराओ तब भी जीन से अगर फिनोटाइप ले रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ जेनेटिक्स स्टडी विच आर स्टार्टिंग विद द जीन एंड देन यू आर ऑब्टेनिंग द फिनोटाइप, दिस इज द पार्ट ऑफ रिवर्स जेनेटिक्स। तो नॉकआउट इसीलिए हम कह रहे हैं बिकॉज नॉकआउट में तो जीन ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो दैट्स ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू बी म्यूटेंट जीन। सो नॉकआउट इज टोटली म्यूटेंट जीन एंड यू कैन स्टडी द फिनोटाइप, ठीक है। एंड ट्रांस जीन इज अ डिफरेंट पार्ट, ट्रांस जीन इज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाउ द ट्रांस जीन इज डिफरेंट सर? ट्रांस जीन्स में दो डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए सर। ट्रांस जीन्स में जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं तो टू डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ट्रांस जीन मतलब जैसे माइस है, राइट? माइस है, अब हम चाहते हैं कि ये माइस कुछ एडिशनल प्रोड्यूस करे। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रांस जीन में अभी एक टर्म बड़ा पॉपुलर है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडिंग द डिफरेंट जीन, ट्रांस जीन टू फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल, ओके। सो दिस बीटी ब्रिंजल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द ट्रांस जीन, राइट? सो दिस इज हैविंग द एक्स्ट्रा जीन्स। व्हाट इज एक्स्ट्रा जीन? दिस इज बीटी। बीटी मतलब बीटी फॉर माइक्रोब्स, जीन फ्रॉम माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, एंड दैट इज अ टॉक्सिन जीन। So, because brinjal is eaten by the borer, that is insect, borer insect. So, they are going to, you can see in the brinjal, अगर brinjal आप use करो उसको तो heavy pesticide उसमें क्यों use करते हैं farmer? उसमें कीड़े बहुत लग जाते हैं, तो that is called as the borer, है ना? तो वो क्या करता है, छेद कर देता है पूरे brinjal में, आर पर खराब कर देता है। तो नाउ साइंटिस्ट आर सप्लाइंग दिस जीएमओ सीड्स, तो ये एडिशनल हो गया। नॉकआउट इज डिफरेंट थिंग। नॉकआउट में द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दिस इज द जीन रिप्लेसमेंट, कंप्लीट जीन रिप्लेसमेंट इज देयर। सो इफ आई रिप्लेसिंग द जीन, सपोज द जीन एक्स इज कंट्रोलिंग ओबेसिटी, ओके, and then you are knocking down this gene completely, then what will happen? Yes, no obesity. This phenotype will be missing because this gene has been removed. इसीलिए cancer की study में most of the knockdown strategy has been used in the cancer study. Because if replacing certain genes, X plus 2, X minus, okay, X plus 2, X minus. सर इसीलिए जब दवा वगैरह करते हैं तो बाल झड़ जाते हैं, उसका क्वेश्चन जो है। हाँ, ये जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ये देखो ना, बिना नॉकआउट के ही वो जैसे दिया उन्होंने इंजेक्शन, देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। दिस इज ए स्ट्रैटेजी तो प्रॉब्लम हो गई। दो मिनट वेट करो, मैं इलाज करके आऊंगा, तो पूरा गला खराब हो जाएगा। जस्ट वेट। आज अंजू की तबीयत ही खराब हो गई। ट्रांसजीन्स, राइट? ट्रांसजीन्स, ट्रांसजीन क्या है? ट्रांसजीन बीटी ब्रिंजल है, जीएमओ है, बट नॉकआउट क्या है? क्या ये भी ट्रांसजीन है? ये क्वेश्चन है,
तो नॉकआउट अगर हम जीन रिकॉम्बिनेशन से कराते हैं राइट, क्या स्ट्रेटजी है नॉकआउट की, दैट इज डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर हमने रिकॉम्बिनेशन कराई, जीन रिकॉम्बिनेशन कराई, ठीक है ना, अगर जीन रिकॉम्बिनेशन कराई देन प्रॉब्लम है, देन आपका ये ट्रांसजीन ऐड हो सकता है, क्योंकि इस जीन का क्या फीचर होगा, दैट विल हैव द होमोलॉगस करेक्टर, ओके, होमोलॉगस करेक्टर, और ये रिप्लेस करेगा गुड जीन, मतलब जो आप रिप्लेस कराना चाहते हो, जिसको जिससे ये वाई है ए एक्स है, तो यहां पे जीन थी एक्स प्लस और ये वाई आपने इंसर्ट कराना चाहते हो, तो यहां पे जीन ये रिप्लेस होगा, देन इट विल बी एडिट। तो ये दोनों फंक्शन हो गए, दिस इज ए बोथ टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, दिस इज ए बोथ टाइप ऑफ फंक्शन। यस सर। ओके, क्लियर इतना? यस सर। हाँ, दिस इज क्लियर ना? तो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज, अब यही हम देखने जा रहे हैं, हम ये क्या करने जा रहे हैं, माइस में कैसे जीन नॉकआउट के थ्रू ट्रांसजीन ऐड कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी। और सबसे बड़ा पार्ट ये है कि ये जो ट्रांसजीन बना रहे हैं विद नॉकआउट स्ट्रेटजी, तो फर्स्ट इसको कैसे करें कि दिस शुड बी इनहेरिटेबल, है ना, दिस शुड बी हेरिटेबल, राइट, दिस शुड बी हेरिटेबल। हेरिटेबल कैसे होगा, दिस इज द क्वेश्चन, क्या वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, एंड इसमें ईएस सेल होते हैं, ईएस सेल जानते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यू नो बाद में डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाता है, डिवाइड करके मोडुला ब्लास्टुला, राइट, वो सारे फेजेज आपको याद होंगे। तो हमें क्या करना है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेलेक्ट करना है, एंड देन वी शुड ट्राई टू इंसर्ट योर ट्रांसजीन एट दिस प्लेस, यहां पे जीन डालना है, बाकी ये खुद कर लेगा। तो जीन डालने की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज द इंजेक्शन, तो वो हम देखेंगे। एंड व्हाट इज द एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स एसोसिएट जीन एक्सप्रेशन और पॉलीमॉर्फिज्म विद फिनोटाइप, एसोसिएट जीन एक्सप्रेशन और पॉलीमॉर्फिज्म विद फिनोटाइप, ओके। सो व्हाट इज द ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक मीन्स नॉवेल जीन, नॉवेल जीन आइदर मैन मेड और बोरोड फ्रॉम अनदर एनिमल इज एडेड टू द जीनोम, राइट, सो दिस इज गोइंग टू वर्क इन मेनी स्पीसीज। नॉकआउट जीन इज कंप्लीटली डिलेटेड, ओके, जीन इज कंप्लीटली डिलेटेड, इनफैक्ट द जीन इज रिप्लेस्ड इन द सम लोकेशन, राइट, बाय द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, वी शुड स्टडी दिस वन, विद नन म्यूटेशन ऑफ द जीन, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन द माइस, नॉट अदर प्लेस, एंड इट्स दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। And there are two type of knockout strategy. One is the dominant negative, dominant negative. And what is the effect of this transient? So transient is going to overexpress themselves. Okay. So they are going to be overexpressed, and in such a way that is going to interfere with the endogenous gene. And what is the knocking? Homologous recombination of a transgene, very difficult and rare. Very difficult and rare. Alright, homologous recombination of a transgene. This may be a knock-in strategy in the knockout. ठीक है ना, जब आपने homologous recombination कराया और transgene का addition हुआ, तो transgene या तो over express कर जाए, ठीक है, या homologous recombination करके बाकी सबको सप्रेस कर, तो सप्रेस करने की स्ट्रेटजी को नॉकिंग कहते हैं। तो वहां पे हमने बताया था कि दिस इज डन बाय यूजिंग द एमआरएनए एसएचआरएनए, बट दिस कैन बी आल्सो ए स्ट्रेटजी
by the homologous recombination. Right. So, if you are talking about the in vitro mutagenesis of a clone gene, this is exactly. Hello? Haji sir, good evening sir. कंफर्म हो गया सर उनका, लेकिन संपाल पुराना का नंबर चेंज हो गया है, वो हमको लगता है एमिटी यूनिवर्सिटी का नंबर रहा होगा ना, तो उन्होंने चेंज कर दिया होगा, अभी रिटायर हो गए ना. अभिषेक माथुर तो तैयार है, बता दो ना अपने बंदे हैं, जब कहेंगे कर देंगे. गुरबीर सर कह रहे थे कि आप एक बार फोन कर लो, तो आप एक बार गुरबीर सर को फोन कर लो, एग्री तो हैं, बट कह रहे थे कि जब सर फोन करेंगे तभी हम आएंगे. हाँ मैम से बात कर लीजिए, मैम ने डन कर दिया. हाँ बिल्कुल उनकी तरफ से होते हैं. गुरबीर सर से घर पे ही हैं. उनकी शादी हो गई, फिर उनकी टांग टूट गई. पता नहीं, कुछ पता नहीं. आप एक बार फोन कर लो कि सर आना है 8-9-10 को, ऑनरेरियम मिलेगा 5000. तो कह रहे थे कि आपका मैं नहीं मानूंगा, मनिंदर सर बोलेंगे तभी मैं मानूंगा. हमने कहा नहीं नहीं वो कर लेंगे, टेंशन मत लो. हाँ नहीं वो, हाँ थैंक यू सर, गुड नाइट. हाँ जी आज हो गया था काम वो सर, फोटो वाला है ना. हाँ जी ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट. सो क्या हो रहा है ये. हेलो, चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं फिर से. सो वी आर स्टार्टिंग अगेन, है ना. थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया था. तो व्हाट वी आर सेइंग कि इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस की बात करें, तो इन विट्रो इनसाइड द, इन विट्रो मीन्स ग्लास, ना. इन वाइवो मीन्स, हेलो ऑडियो बेटा. हेलो, हाँ इन वाइवो मीन्स इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल. ओके, इन विट्रो इनसाइड द ग्लास. ग्लास में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, दिस इज कॉल्ड इन विट्रो. ये कहना है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस ऑफ ए क्लोन्ड जीन, दिस इज ए वेरी डेप्थ मीनिंग. तो आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस पिक्चर. जीन नॉकआउट एंड ट्रांसजेनिक टेक्निक यूजली इन्वॉल्व म्यूटाजेनेसिस ऑफ क्लोन जीन प्रायर टू ट्रांसफर इन टू द आर्गन, राइट. जीन नॉकआउट एंड ट्रांसजेनिक टेक्निक यूजली इन्वॉल्व म्यूटाजेनेसिस ऑफ क्लोन्ड जीन राइट. तो ये कैसे होगा, आप ध्यान दो, यहां पे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दिस इज क्लोन डीएनए, है ना. केमिकली सिंथेसाइज होने को हमने कर लिया, दोनों को हाइब्रिडाइज कर लिया. अब आपका नया डीएनए ये था, राइट, एबीसी में इंसर्ट करेगा, मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा और नया जीन आपका आ जाएगा. तो अब इसी जीन को हमने एक्सटेंड अगर करा दिया, ये पूरा सर्किल बना दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो नाउ अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये वाला जो बाहर वाला जीन था, है ना. तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड था, तो ये इजी हो गया ना यहाँ पे अटैच कराना, एंड देन यू कैन यूज इट एज ए प्राइमर दिस पोर्शन. डीएनए पॉलीमरेज यू कैन यूज जीन लाइगेज, जीटीपी, डीजीटीपी, ये सिंथेसाइज हम करा रहे हैं, राइट. सो दिस इज ए स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग ए म्यूटाजेनेसिस, है ना. जीन नॉकआउट टर्म व्हाई वी आर यूजिंग, क्योंकि हमने एक सिंथेटिक ओलिगो यूज किया एसी, ठीक है, और एसी को यहां पे बी जीन था इंसर्ट करा दिया, ठीक है. एंड देन व्हाट वी डिड,
हमने इस एसी जीन को फिर से हाइब्रिडाइज करने का मौका दिया, तो बी तो बाहर हो गया, एक्सक्लूड हो गया, तो बी एक्सक्लूड हो गया तो रिमूव हो गया, राइट, रिमूव हो ही जाना, क्योंकि बी का तो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, ए का ए से कॉम्प्लीमेंट्री है, सी का सी से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बी रिमूव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो नॉक आउट, ये नॉक आउट हो गया। अब हमने दूसरी स्टडी अडॉप्ट की, ये तो रिमूव हो ही जाना है, राइट, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से। अब हमने डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज यूज करके इसकी सेकेंड स्टाइल सिंथेसिस भी कर दी, तो इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, फर्स्ट कि फॉर द इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस व्हाट यू शुड यूज, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ऑलवेज यूज सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है जी, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सेकेंड, जिस जीन को रिप्लेस करना है ना, और एक सिंथेटिक ओलिगो चाहिए, तो व्हाट यू नीड, यू नीड सिंथेटिक ओलिगो। अब ये सिंथेटिक ओलिगो क्या करेगा, सिंथेटिक ओलिगो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। दिस सिंथेटिक ओलिगो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट सिंथेटिक ओलिगो, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज करेगा और ये दोबारा एसी जीन को सिंथेसाइज किया, दिस इज द ओलिगो एंड दिस बी कैन बी रिप्लेस्ड, तो बी क्यों रिप्लेस करना है इसमें क्लोन जीन में, ये क्लोन जीन है, ठीक है, अब क्लोन जीन है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें हमने अपना ओलिगो भी हाइब्रिडाइज करा लिया, इसका ये फायदा हुआ कि जब भी ये ओलिगो फिर से हम प्राइमर के रूप में यूज करेंगे तो दे हैव अपॉर्चुनिटी टू हाइब्रिडाइज, तो हाइब्रिडाइज ये कर लिए, एंड देन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन व्हाट यू कैन सी, अब डीएनए पॉलीमरेज से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, बाय द एक्सोन्यूक्लियेज पार्ट दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक माइस, ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक माइस, तो हम स्ट्रेटजी करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी कहा कि प्रोन्यूक्लिया इज देयर, राइट, तो स्पर्म एंड एग, दिस इज द प्रोन्यूक्लिया। अब हम और नॉवेल स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं, व्हाट नॉवेल स्ट्रेटजी वी आर अडॉप्टिंग, इंजेक्टिंग फॉरेन डीएनए इनटू वन ऑफ द प्रोन्यूक्लिया, स्पर्म में डाल दो या एग में डाल दो, एग में डालना ज्यादा ईजी है, राइट, तो फर्टिलाइज माउस एग प्रायर टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया, बल्कि ज्यादा स्ट्रेटजी काम क्या करती है कि इनका फ्यूजन तो हो गया वो स्पर्म का एग से, लेकिन जो एक सेल बनी है, दिस इज द सिंगल सेल इन विच टू प्रो न्यूक्लियर आर देयर, ओके, सो ये फ्यूजन अगर ना हुआ हो तो ज्यादा बेटर है, तो आप इसमें इंसर्ट कर दो, इतना खर्चा किया, तीन नेट लिया हुआ है, तो पढ़ाने में मजा थोड़ा ब्रेक हो जाता है ना, चलो कोई नहीं, तब तक मैं सुपर स्टार बन जाऊंगा, तुम लोग ना टॉप करोगे आई विश, ओके, तो इतना अच्छा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि वो होता ही, वो होगा ही, आपको ऑटोमेटिकली प्रोफेसर की तरह आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो अभी देखो नॉवल डीएनए हमने डाल दिया, नॉवल डीएनए हमने कब डाला, वो स्टडी देखो किताब में भी नहीं लिखी होती है, क्योंकि मैंने भी अपनी एक किताब लिखी है एनिमल सेल कल्चर की, तो उसमें हमने ये चीज एक्सप्लेन की है कि मेल है ये प्रोन्यूक्लियर है, दिस इज अ मेल, दिस इज फीमेल, इनका फ्यूजन ना हो जाए, फ्यूजन होगा तो फिर वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो हमने अपना नॉवल डीएनए ये जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो यहां पे डाल देना है, राइट, ट्रांसफर इंजेक्टेड एग इनटू फॉस्टर मदर, ये की स्ट्रेटजी ये भी है, या फ्यूजन के पहले डाल दो, यहां पे तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर इंजेक्टेड एग इनटू फॉस्टर मदर, सॉरी, हाँ ये इंजेक्टेड नॉवल डीएनए डाल दिया, ये आपका बाहर कर रहा है, कहां कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में, ये कहां कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में, एग निकाल के टेस्ट ट्यूब में किया, अब ये फर्टिलाइज करेगा, नेक्स्ट स्टेज इसका क्या है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस, तो क्या बोलोगे, दिस इज अ फर्टिलाइज्ड जायगोट, क्या बोलेंगे बेटा, फर्टिलाइज्ड एग, हाँ फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट, अब ये जायगोट को आपको डालना है फॉस्टर मदर में, राइट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज कि जितना एग लिया, अब एक माउस तो होंगे नहीं, इट विल बी 10 to 100, राइट, 10 to 100,
ओके सो आपने इस तरह से कई जायगोट बनाने हैं, तो कई जायगोट में आपने कहीं इंसर्ट नहीं कराया, आपने खाली साइटोप्लाज्म में डीएनए डाला था। तो बाय द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन दे हैव 10-30% चांसेस दे विल बी इंजेक्टेड, ऑफस्प्रिंग विल हैव इंजेक्टेड फॉरेन डीएनए, राइट। तो फॉरेन डीएनए इज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट इन ऑल टिश्यू, और जब इनकी प्रोजनी आएगी, क्योंकि फॉस्टर मदर है तो प्रोजनी आएगी, प्रोजनी आएगी तो सम विल बी नॉर्मल वाइल्ड टाइप, ओके, एंड सम विल कंटेन दिस ट्रांस जीन, यानी जो भी बाहर से हमने डाला, ठीक है। तो माइस एक्सप्रेसिंग फॉरेन डीएनए आर ब्रेड टू कंटिन्यू डीएनए इन जर्म लाइन। तो ये तीन, अब इसको अगर ब्रेड कर रहे हो इन ब्रीडिंग, राइट, तब ये देखो नेचुरल, ये नॉकआउट माउस आ गए, नेचुरल माउस विद योर ट्रांस जीन, राइट। अब बार बार आपको इंजेक्ट नहीं करना, नेचुरल माइस विद ट्रांस जीन। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड, व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन कि दैट दिस इज पॉसिबल टू इंसर्ट डीएनए, दिस इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक माइस with natural tendency of heritability if you are using or injecting your novel DNA in the before the fertilization, you know, before the fertilization. Yes, sir. Right? Okay, एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई, इसमें अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कोई अगर दिक्कत है तो आई कैन डिस्कस, लेकिन ये सक्सेस रेट 10-30% है फर्स्ट F1 में, बस F1 तक प्रॉब्लम है, फिर F1 कर रहे हैं क्रॉस, राइट, देन F2 इज नेचुरल। अब F2 तो फिर सीरीज से आएगा ट्रांसजेनिक, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देखोगे जब आप लैब में जाते हो तो यू हैव नूड माइस, नूड माइस मतलब ए थाइमिक माइस मतलब नो थाइमस, ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली स्टडीड फॉर द रोल ऑफ एंटीजन, एंटीजेनिसिटी, कि कितना स्ट्रांग एंटीजन आपका, जैसे मान लो कोरोना की वैक्सीन बनानी है तो कोरोना की वैक्सीन कितना स्ट्रांग एंटीजन है, राइट, अगर इन्फेक्टिविटी है तो इन्फेक्टिविटी की वजह से मर भी जाएगा माइस, अच्छा, है ना, क्योंकि थाइमस तो है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपने इसका परमानेंट ट्रांसजीन बना लिया, परमानेंट, अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मान लो 200 लेबोरेटरी इस पे काम कर रही हैं, आप सबको माइस सप्लाई कर सकते हो, ये इसको कहते हैं लाइंस, ये ट्रांसजेनिक लाइंस है ना, क्योंकि आपने सिर्फ मेहनत यहाँ पे किया है, F1 को क्रॉस ही कराते रहना है, खाली क्रॉस कराओ और बेचो, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ सीखने के लिए, पढ़ाई करो बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो कभी, ठीक, अपॉर्चुनिटी मिले आपको, क्लाइंट मिल गए जहां सेल कर सकते हो, कॉलेज मिल गए, लेबोरेटरी मिल गई, तो आपने एक सेटअप स्टार्टअप लगा सकते हो, दिस इज वेरी इजी, यस, राइट, क्लियर। सो देन ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉकआउट माइस एंड ट्रांसजेनिक माइस, क्या डिफरेंस आ जाएगा भाई। टू क्रिएट होमोलॉगस इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए इन एम्ब्रियोनिक स्टेट, दिस इज द स्ट्रेटजी, राइट, एंड इंसर्टेड डीएनए रिप्लेस द नॉर्मल जीन, जो कि हम बात कर ही रहे थे, इसलिए नॉकआउट है, राइट, एंड यूजली होमोजाइगोट आर बेस्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि होमोजाइगोट नहीं रहेगा तो डोमिनेंट हो जाएगा या रिसेसिव हो जाएगा, दोनों में नॉक आउट माउस नहीं काम करेगा। तो बेस्ट फाइंडिंग इस कंक्लूजन की क्या रही कि हेट्रोजाइगोट इज अवॉइडेड, हेट्रोजाइगोट इज अवॉइडेड, वाई दे आर अवॉइडेड, why they are avoided, क्यों, क्योंकि they are not for the best expression, या तो dominant negative हो जाएगा या तो recessive हो जाएगा, तो दोनों avoid होने चाहिए, dominant negative not allowed, dominant expression not allowed you can say, और recessive expression also not allowed, ठीक है बेटा, clear। तो व्हाट इज द ट्रांसजेनिक माइस, अब ट्रांसजेनिक माइस में थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं,
ट्रांसजेनिक माइस बनाने के लिए इंजेक्शन कर रहे हैं न्यू डीएनए का फर्टिलाइज्ड एग में, या बिफोर द फर्टिलाइजेशन या आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, है ना। मतलब वो जानी है न्यूक्लियस में डीएनए को। अब डीएनए न्यूक्लियस में जाएगा एंड देन दे विल इंटीग्रेट रैंडमली, मल्टीपल कॉपी विल फॉर्म एंड एक्सप्रेशन लेवल अफेक्टेड बाय इंटीग्रेशन साइट में इंटरप्ट जीन एंड पर्पज इज टू इंसर्ट न्यू जेनेटिक मटेरियल। यहां पे क्या पर्पज था, ये भी बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है बेटा? नॉकआउट का रिप्लेस नॉर्मल जीन्स एंड ट्रांसजेन्स में, ट्रांसजेनिक माइस में इंसर्ट न्यू जेनेटिक मटेरियल। हमने कोई रिमूव नहीं किया, हाँ, नो रिमूवर। यहाँ पे देख रहे हो, नो रिमूवर। यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव इंसर्टेड डीएनए एंड दैट रिप्लेस द नॉर्मल जीन। तो जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी की बात कर लो अब, आवाज आ रही प्रॉपर? जीन थेरेपी में यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट कर सकते जीन थेरेपी में, क्योंकि आपको डिफेक्टिव जीन रिप्लेस करनी है। तो दिस नॉकआउट स्ट्रेटजी इज बेस्ट, और वो भी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से। सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट द होमोजाइगोट, राइट। तो एडवांस में सोचना है, पढ़ना थोड़ा है, सोचना ज्यादा है। बी ए रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक स्ट्रेटजी, वो पढ़ते थोड़ा थे, सोचते ज्यादा थे। तो मुझे वो विवेकानंद की स्ट्रेटजी और रविन्द्रनाथ टैगोर की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगती है, कि पढ़ो थोड़ा, खाओ थोड़ा, लेकिन डाइजेस्ट करो उसमें से कार्बन मटेरियल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा। बहुत लोग खाते बहुत हैं, है ना, खाते बहुत हैं और उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू उस फूड का जीरो कर देते हैं, इतना खाते हैं, ठीक है ना। उनको कुछ मिलता ही नहीं है। जो देखो कि जिसको, जो भी साइंटिस्ट होगा, रिसर्च स्कॉलर होगा, दे आर ईटिंग लेस एंड गेटिंग मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। अभी देखो गले में खराश आ रही थी, मैंने एक अपना रूटीन लाइफ बना लिया, आज थोड़ा मिस कर गया मैं, आज चाय बना नहीं पाया, लेकिन देखो वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दी। तो बॉडी को ऐसे हैबिचुअल बना सकते हैं बाय फीडिंग ए राइट डाइट। नॉकआउट माइस में जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक माइस में नो रिमूवल ऑफ द जीन, ठीक है। लेकिन ये भी है कि एक्सप्रेशन अगर राइट नहीं हुआ, बिकॉज एक्सप्रेशन लेवल इज अफेक्टेड बाई इंटीग्रेशन साइट, तो अगर आपने, अगर इसने गलत जगह इंटीग्रेट कर लिया, राइट, जैसे मान लो कोई डेवलपमेंटल पार्ट में ऐसे इंटीग्रेट करके कि आंख चली गई, सिर डेवलपमेंट नहीं हुआ, या कोई डेवलपमेंटल पार्ट इफेक्ट हो गया, देन दिस इज नॉट ए राइट ट्रांसजेनिक माइस, दिस इज नॉट ए ट्रांसजेनिक माइस, राइट ट्रांसजेनिक माइस नहीं, ओके। यस सर, ट्रांसजेनिक को बनाने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, देन हम किसी होस्ट में यूज करते हैं प्लाज्मिड, ट्रांसजेनिक नहीं, प्लाज्मिड का नहीं, तो हम कोई भी अपना डिजायर्ड इंटरेस्ट ऑफ जीन जो होगा वो प्लाज्मिड के थ्रू ही तो करेंगे ट्रांसजेनिक वाइस में, या फिर जैसे आप अभी इंटरेस्ट ऑफ जीन आइसोलेट करते हो, कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हो प्लाज्मिड, हाँ, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करो। वो बीटी कॉटन वाला एग्जांपल याद करो ना, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन एनिमल में आ रहे हैं अभी प्लांट में, सर कॉटन में कुछ भी रिप्लेस नहीं किया ना हमने, एक बीटी जीन की टॉक्सिन को नहीं हो सकता, अच्छा, लेकिन अलग अलग, लेकिन सर जीन का मतलब कोई रिमूव नहीं कर रहे उस साइट पे, जिन इंसर्ट कर रहे, तो जीन का डुप्लीकेशन। अभी 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 तुम्हारे, अभी तुम्हारे आंसर का, हाँ, अभी तुम्हारा आंसर आगे आ रहा है, तुम आगे आगे पढ़ रही हो, मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, पहले नोट करो, नॉकआउट बनाने का तरीका, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, नॉक इट आउट और म्यूटेटेड, क्रिएट रिप्लेसमेंट कंस्ट्रक्ट, ठीक, आप प्लाज्मिड भी इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है, राइट, टू क्रॉस ओवर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको चेक करना पड़ेगा, दिस इज द
क्वेश्चन मार्क स्ट्रेटजी, इंजेक्ट प्लाज्मिड इनटू स्टेम सेल, ईएस सेल से भी ट्रांसजेनिक बना सकते हो। अगर ईएस सेल में कर रहे हो तो प्लाज्मिड इज मस्ट, क्योंकि ईएस सेल में क्या होता है, ईएस सेल में डेवलपमेंटल स्टेज है, ये बहुत सारी सेल्स हैं। तो अगर आपने प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्ट बनाया है और यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, प्रोबेबली दे आर गोइंग फॉर द रिकॉम्बिनेशन पर्पस। प्लाज्मिड इसलिए नहीं डालने की प्लाज्मिड पूरा इंसर्ट हो जाए, प्लाज्मिड के साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, देख रहे हो ना, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें इंसर्ट कराना है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, वी आर यूजिंग एज ए प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। तो नाउ अब ये देखेंगे कि स्टेम सेल में गया कि नहीं, वो तो पता है नहीं, तो व्हाट वी कैन से, इंजेक्ट स्टेम सेल इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एंड इंजेक्ट ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेरस, यूटेरस में डालते हैं। अब आगे जो आएगा तो 10-30% आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देर इज टू स्ट्रेटजी, एबलेशन ऑफ जीन, ये पूछ रही थी तुम शायद एक दिन, एंड म्यूटेशन ऑफ द जीन, व्हाट इज द एबलेशन एंड व्हाट इज द म्यूटेशन, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबलेशन, कैन यू टेल मी एबलेशन की मीनिंग फटाफट मुझे बताओ। एबलेशन का मतलब क्या होगा बेटा, मैं बता देता हूं, एबलेशन का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट बाय सर्जरी और बाय डिलीशन और बाय रिकॉम्बिनेशन, तो एबलेशन ये हो गया है ना, तो रिमूवल। तो हमने क्या किया कि एक डीएनए लिया, होमोलॉगस डीएनए लिया जिसमें नियोमाइसिन था और एक्सॉन 2 था और प्लाज्मिड विद टारगेट जीन ले लिया हमने, ठीक है, तो प्लाज्मिड विद टारगेट जीन, ये तो होमोलॉगस हो गया इसकी, एंड एक्सॉन 1। अब क्या हुआ इसका डिजायर्ड पार्ट, डिजायर्ड पार्ट ये हुआ, डीएनए इंजेक्टेड इनटू प्लाज्मिड, यस, एक मिनट, प्लाज्मिड विद टारगेट जीन, दे आर रिकम्बाइनिंग, तो आपका क्या आएगा, नियो एक्सॉन ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, एक्सॉन 2 डैश कर लो इसको, ठीक है ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो नियो एक्सॉन 2 डैश और फिर एक्सॉन 1 आएगा, ठीक है ना, तो एक तो एबलेशन हो गया, टोटली टारगेट करके उड़ा दिया, ब्लास्ट करके जैसे। म्यूटेशन ऑफ द जीन, प्लाज्मिड इज द टारगेट जीन, डीएनए इंजेक्टेड इनटू प्लाज्मिड, तो ये भी रिकॉम्बिनेशन करके, और इसको डिजायर्ड म्यूटेशन क्या है, हमारा एक्सॉन यहां पे टारगेट है, एक्सॉन 1 को रिमूव करा रहे हैं एक्सॉन से, बात समझ रहे, यहां पे हमने क्या किया, एक्सॉन 2 को भी रिप्लेस किया, एक्सॉन 1 को जोड़ भी दिया, तो यहां पे दो स्ट्रेटजी होगी, बात समझ रहे हो, क्योंकि डुप्लीकेशन तो होगा नहीं, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, एक्सॉन 1 को रिप्लेस करा दिया, एक्सॉन देखो एक्सॉन 1, एक्सॉन 1 डैश, एक्सॉन 1 डैश को हमें ऐड करना है प्लाज्मिड टारगेट जीन, ये हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेशन में, ये रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा, और एक्सॉन 1, एक्सॉन 1 ये फाइनल बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, नियो एक्सॉन 1, ठीक है ना, तो हमने इसको इससे उड़ा दिया लास्ट, ठीक है ना, दिस इज द नॉकआउट वेरिएशन, यू कैन गो विद एनी मॉडिफिकेशन। अब क्या करोगे, जब मॉडिफाई हो गया देन यू कैन इंजेक्ट दिस इनटू द ईएस सेल्स, जीनोमिक डीएनए इन द ईएस सेल्स, प्लाज्मिड में तो ये पार्ट आ गया, ठीक है, जीनोमिक डीएनए में क्या है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, ये सेल है मान लो, दिस इज द सेल्स, ईएस सेल्स, अब ये प्लाज्मिड में नियो और एक्सॉन 2 आ गया, ठीक है ना, अब जब मैंने इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक, तो अब क्या आपको दिख रहा है, फाइनल जीनोमिक डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सेल बना नहीं है, मैं बना देता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा, कौन रिप्लेस हुआ बेटा, एक्सॉन 1 यहां से चला गया,
रिकॉम्बाइन किया एक्सॉन टू, एक्सॉन टू डैश कर लेते, एक्सॉन टू डैश और नियो, ये दोनों फाइनली आ गए जिनोमिक डीएनए। अब एबुलेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फाइनली व्हाट हैपेंस, नो फंक्शनल जीन, पूरा उड़ा दिया, इसका कोई फिनोटाइप बनेगा ही, एक्सप्रेशन ही चलेगी। दिस इज कॉल्ड द एबुलेशन टाइप ऑफ नॉक आउट, एबुलेशन ऑफ द जीन, राइट। म्यूटेशन भी करा सकते हैं। अब एक एग्जांपल इससे देखते हैं, चलो वो तो वेरिएशन हो गया। नाउ व्हाट इज द सुपर ओवुलेशन एंड हाउ वी कैन गेट द एक्चुअल ट्रांसजेनिक माइस। तो दिस इज द, व्हाट इज दिस, मेल और फीमेल, मेल 2 days आफ्टर मेटिंग हार्वेस्ट ब्लास्टोसिस्ट एंड इंजेक्ट जेनेटिकली टारगेटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हमने पहले ही मॉडिफाई कर लिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को, ठीक है ना, और 2 days आफ्टर मीटिंग के बाद ब्लास्टोसिस्ट निकाल के इसमें अपना डीएनए डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, वो अंदर चला गया, एंड देन वी आर क्रॉसिंग दिस मेल विथ फीमेल। अब फायदा हमें क्या मिला, अब हमें ये जो फीमेल है वो फॉस्टर मदर नेचुरल हो गई, अब हमें इंजेक्शन से नहीं डालना पड़ा इसके यूटेरस में, है ना। तो ये फर्टिलाइज जब करेगा, दिस इज फर्टिलाइज, देन डायरेक्टली यू कैन ऑप्टेन, है ना, क्योंकि ये मेल है, इसमें आपने डाले डी, ये सॉरी ये फीमेल है, दिस इज फीमेल, और ये इस फॉर्म है मेल, फीमेल के ब्लास्टोसिस्ट में आपने पहले डीएनए डाल दिया, ठीक है। अब जब भी ये फ्यूज करेगा मेल और फीमेल, तो उसके एग में क्या जाएगा, फीमेल के ट्रांस जीन जाएगा। अब यहां से या तो आप निकाल लो, क्योंकि तो मर जाना है ना जब आपने छेड़छाड़ करी, तो यहां के ब्लास्टोसिस्ट निकाल के दूसरे यूटेरस में डालना है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सूडो प्रेग्नेंट फीमेल, या क्या बोलेंगे, फॉस्टर मदर, फॉस्टर मदर, है ना। तो आजकल लोग माइस, नॉकआउट माइस बना रहे हैं, सर्टेन फॉर द एक्सपेरिमेंट आल्सो, सर्टेन फॉर द फन आल्सो, फॉर द वेरियस पर्पस। तो आपको पहले ही बताया कि हेट्रोजाइगोट इज नॉट रिकमेंडेड, रादर देन होमोजाइगोट इज रिकमेंडेड विच इज लो इन पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन ये बनता है यहां पर, राइट, कि होमोजाइगस इज प्रेफर्ड बट इट्स लो, हेट्रोजाइगस नॉट प्रेफर्ड सो इट्स परसेंटेज इज हाई। आपको ये होमोजाइगस लाइन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अनदर नॉकआउट स्ट्रेटजी इज यू कैन गो विद द different system, that is called the Cree recombination. You can use, what is the Cree? This is a kind of recombination, Cree lock system. So this is a very tissue specific, so you can create tissue specific knockout strategy, right. So Cree lock system dekh lete hain, this is a tissue specific promoter, for example promoter for the forebrain L7 per kg, एंड दिस इज अटैच विद क्री रिकॉम्बिनेस। तो रिकॉम्बिनेस का फंक्शन क्या होगा, दे विल हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो ऑलवेज दे आर रेडी टू इंटीग्रेट विद द लॉक्स पी साइट। ये साइट देख रहे हो, ये लॉक्स पी साइट है, ये क्री है, दोनों एक डायरेक्शन में है, ध्यान दें, तभी आप नॉकआउट परफॉर्म कर पाओगे। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क, क्या स्ट्रेटजी होगी, बनाओगे कैसे, डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, अपोजिट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो भी जीन को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो ये किसके बीच में रहेगा, ये दोनों ट्रायंगल के बीच में रहेगा। तो ये देखो कट गया, यहां पे है नहीं ना, यहां पे है, यहां पे मिसिंग है, समझ में आ रहा है, दिस इज द मिसिंग। तो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ क्री रिकॉम्बिनेस एंड लॉक्स पी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दिस इज यू कैन यूज हियर टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर, ओके, व्हाट यू कैन यूज, टिश्यू स्पेसिफिक
promoted. You can use tissue specific promoter. Tissue specific promoter. See? Yes, sir. नहीं नहीं आ रहा आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बाउंसर जा रहा है ठीक है ना तो दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू स्पेसिफिक नॉकआउट अभी तक आप जितनी भी बुक पढ़ोगे ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही कम मिलेगी वो कहते हैं क्री लॉग सिस्टम है रिकॉम्बिनेंट सिस्टम है ये रिप्लेस होता है वो होता है बट ये स्पेसिफिक टर्म है व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म टिश्यू स्पेसिफिक नॉकआउट ये आपको कहीं नहीं मिलेगा नॉकआउट में भी एक टिश्यू स्पेसिफिक नॉकआउट विद द हेल्प ऑफ क्री लॉग्स व्हाई बिकॉज क्री इज अटैच विद द टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर ये कोई भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं ट्रांसजेनिक माइस के लिए हाँ टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर देंगे और इससे ट्रांसजेनिक माइस बनता है ये ध्यान रखना किस तरह का माउस बनेगा आप किसी भी टिश्यू को आप डिस्टर्ब कर सकते हो और उसका इफेक्ट देख सकते हो ब्रेन को डिस्टर्ब किया तो उसका सिम्टम देख सकते हो ठीक है ना तो टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर क्यों ले रहा है क्योंकि उस टिश्यू को टारगेट कर रहा है उस टिश्यू को रिमूव कर रहा है उसके रिलेटेड जीन को भी रिमूव कर रहा है क्री रिकॉम्बिनेज है ठीक है ना तो वो प्रमोटर कहां पे होगा प्रमोटर वहीं एक्सप्रेस करेगा जहां उसका जीन होगा इसीलिए इस स्पेसिफिक प्रमोटर को ले रहा है ये प्रमोटर ले रहा है तो आप नॉर्मल कंडीशन देखो ये नॉर्मल कंडीशन था प्रमोटर विद जीन ये एक्सप्रेस हुआ नहीं हुआ दोनों स्ट्रेटजी हो सकती है यस और नो अब हमने क्या किया टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर लिया खाली हमने क्या कर दिया एक जीन अपना डाल दिया और अटैच कर दिया क्री अब ये क्या करेगा ये नॉकआउट कर दिया इस जीन को गया ये जीन चला गया आप समझ रहे हो ये जीन चला गया कैसे ये वाला ट्रायंगल हमने ऐसे ऐसे कर दिया ठीक है ये जाके यहाँ पे रिकम्बाइन कर रहा है क्री रिकॉम्बिनेज को प्रमोट कर रहा है इसको रिप्लेस कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ नॉक आउट किस तरह का नॉक आउट दिस इज कॉल्ड एज अ टिश्यू स्पेसिफिक नॉक आउट ओके अब देखो मैं पूरा फुल एग्जांपल देता हूँ अगर इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा तो बुक भी बता देता हूँ ये आपको मिलेगा किस बुक में लॉडिस सिर्फ लॉडिस ने इस चीज को एक्सप्लेन किया ठीक है ना अब ये देखो अब हमने क्या करना बेटा क्री माउस ले लिया दो माउस लेना पड़ेगा पहले तो नोट कर लो एक ही माइस में दोनों चीज नहीं करोगे बात समझ रहे हो एक ही माइस में दोनों नहीं करना है वो सिस्टम आप ऑटोमेटिक बनाने जा रहे हो बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन टू माउस तो क्या करना है यू हैव टू सेलेक्ट टू माउस एक लॉक्स फ्री माउस वन क्री माउस टू अब आपको पता है कि लॉक्स फ्री इज द टारगेट ठीक है ना लॉक्स फ्री इज द टारगेट क्लियर ऑल सेल्स कैरी एंडोजीनियस जीन एक्स विद लॉक्स फ्री साइड फ्लैंकिंग एक्सॉन टू एक्सॉन वन एक्सॉन टू लॉक्स फ्री एक्सॉन थ्री ये लॉक्स फ्री ये डायरेक्शन एरो ऐसे बना लो ऐसे बनाओगे ऐसे क्री रिकॉम्बिनेंट में से बनता है ये अरे लेकिन यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो ये वाला टारगेट जीन है ना ये वाला टारगेटेड जीन है तो अब क्या किया सेल स्पेसिफिक प्रमोटर लिया और क्री ये प्रमोटर हो गया की और ये हो गया की कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ही होती है आगे होता है की पीछे होता है क्री है ना मतलब सीधा सीधा हिसाब है उनको कितना भी सही बात बताओ वो हमेशा क्राई करते रहते हैं रोते रहते हैं ठीक है बिकॉज अरे मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है एक बंदे थे एंड आई इनवाइटेड हिम फॉर ए प्रेजेंटेशन चलो प्रेजेंटेशन दे दो पूरे कॉलेज के सामने मैं बहुत मानता हूँ दिल से तो मैंने उनको कहा चलो दे दो तो लेकिन मैंने उनको हिंट दिया था जब उन्होंने पूछा कि प्रेजेंटेशन कितने देर की होगी क्या देनी है हमने कहा देखो कभी भी बड़े लोग ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि 10 मिनट तक तो उनकी बात सुनी जाती है इसके बाद उनका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है ये बातें मैंने कही उनको लेकिन ही वॉज नॉट लिसनिंग उनकी ऐसी बेइज्जती हुई ना
यही है, पी क्री से मुझे याद आया उनका एग्जाम्पल, पी और क्री, उनको कुछ भी बोलो बट वो हमेशा क्राई करते रहते, सुनते नहीं है, बिकॉज लिसनिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस, तो सम पीपल ऑलवेज इन्वाइटेड ग्रेट ट्रबल इन देयर लाइफ। तो ये क्री माउस हमने बना लिया, सेल स्पेसिफिक टाइप है, प्रोमोटर एक क्री है, ऑल सेल कैरी क्री ट्रांसजीन माउस इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन एक्स नॉक आउट, ठीक है ना। अब इन दोनों को करा दिया रिकॉम्बिनेशन, लॉक्स पी क्री माउस ऑल सेल कैरी वन कॉपी ऑफ लॉक्स पी मॉडिफाइड जीन एक्स, वन कॉपी ऑफ जीन एक्स नॉक आउट इन द क्री जीन। अब दोनों आ गया, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग से तुम्हें समझना पड़ेगा, यहाँ पे रेड कलर है क्री, है ना, यहाँ पे एक्सॉन वन एक्सॉन टू ब्लू कलर से है, लॉक्स पी का थोड़ा ब्लैक कलर है ना, तो जहां जहां पे ये ब्लैक कलर होगा वो लॉक्स पी है, राइट। अब यहाँ पे वन टू थ्री दिखा रहे हैं, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस वन इंडिकेट्स एक्सॉन, एक्सॉन वन टू थ्री, एक ही माउस के अंदर दोनों कैसे जा रहा है इसको एक्सप्लेन किया गया है, राइट, कि क्या इंटरनल इवेंट्स हो रहे हैं, मल्टीपल इवेंट्स क्या हो रहा है। तो ये तो यहां से गया, ये वाला तो यही पार्ट है, ठीक है, और ये वाला आया, रेड वाला पोर्शन यहां से आया। अब क्या हो रहा है, नाउ यू कैन सी द चेंजेस, कुछ पोर्शन डिलीट होना है, ये जैसे डिलीट हुआ रिमूव हुआ, और कुछ पोर्शन इंटीग्रेट हुआ। तो अब फाइनल चीज देखो कि पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। वन है थ्री है, टू गायब हो गया, टू कहां गया, डिलीट हो गया, टू डिलीटेड। क्या लगा था यहां पे देखो, ये मैंने कहा था एरो देख लो, लॉक्स पी लगा था, लॉक्स पी, लॉक्स पी, जहां लॉक्स पी लगा के जीन के बीच में लगा दिया, तो ये डिलीट होना ही है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। अब फंक्शन क्या हो रहा है, क्री रिकॉम्बिनेस प्रोमोट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू जीन एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, ठीक है ना। अब ये रिकॉम्बाइन करेगा, अब ये टू वाला देखो, वन दिस इज वन और थ्री भी सेफ है, लेकिन इस रिकॉम्बिनेशन का फायदा क्या हुआ, लॉक्स पी यहां पे लॉक्स पी का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये लॉक्स पी का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो टू बाहर चला गया, लॉक्स पी देख रहे हो, ये लॉक्स पी है ना, लॉक्स पी और ये क्या है, लॉक्स पी, इसमें कोई जीन एक्स ऑप्शन नहीं, छोड़ो, लॉक्स पी का रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो ये दो चला गया बाहर, तो वन एंड थ्री ये सर्कुलाइज होकर बाहर निकला है, एंड दिस इज द फाइनल जीन फंक्शन इज डिस्टरप्टेड, सेकेंड जीन हमने डिस्टर्ब कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू स्पेसिफिक नॉक आउट। अभी साउंड आ गया अच्छे से, ये तो वही चीज है जो मैंने बताई थी, राइट। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फ्लाइज बनाने की है, ट्रांसजेनिक फ्लाइज, हाउ टू क्रिएट, क्या ये बन सकता है ट्रांसजेनिक फ्लाइज, द आंसर इज यस, कैसे क्या लेंगे, देन सी, ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, अब मुझे थोड़ा कम समझाना पड़ेगा, अब ज्यादा समझ आ गया। आफरीन, दिस इज यू कैन सी द ट्रांसजेन रेड कलर, मार्कर लगा दिया डब्ल्यू प्लस ताकि वो पहचान में आए, ठीक है, दिस इज द डोनर प्लाज्मा। अब हमने एक वहां पे क्री रिकॉम्बिनेज तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसपोजेड जीन होता है प्लाज्मा में, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिफेक्टिव पी एलिमेंट, राइट। यहां पे क्या है, डोनर प्लाज्मा में पॉजिटिव पी एलिमेंट है ना, पी लिख रहा है ना 5p 3p, यहां पे लिख रहा है डिफेक्टिव 5p, यानी यहां पे ट्रांसपोजान जीन एक्टिव नहीं है, तो बट एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने वाला एलिमेंट डिफेक्टिव है। अब इन दोनों को इंजेक्ट इनटू डब्ल्यू, यही सब एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं लिख करके, देन यू आर गोइंग टू कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों को मिला दिया, तो कल मैंने बताया था सदाफ्रीन थी कि नहीं, तुम कल ये जब बताया था कि डिफेक्टिव पी रहेगा और हाँ एक्टिव पी रहेगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोजान एक्टिव, तो अब हमने ब्लास्टोडर्म में डाल दिया, ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट डोनर डीएनए, अब पूरे जर्म सेल में क्या होगा, ढेर सारा क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का रेट बड़ा हाई है। अब जीन हमने कौन सा लिया था, डब्ल्यू माइनस ब्लास्टोडर्म, और हमने डोनर प्लाज्मिड में क्या डाला था, डब्ल्यू प्लस, तो हमको क्या चेक करना है कि डब्ल्यू प्लस आया कि नहीं, रेड आई फ्लाइज दो आई कैरी डोनर डीएनए इन ऑल सेल्स,
white eye fly from non-transform germline cells. See, made with non-transform white eye flies W minus. तो अभी जर्म सेल पहला स्टेज देखो एफ वन जी जीरो एडल्ट विद व्हाइट आईज यानी अभी ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ डब्ल्यू माइनस रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यू प्लस एफ वन ठीक है ना. अब इसको हम क्या कर रहे हैं मेटिंग कर रहे हैं मेट विद व्हाइट आई फ्लाई यानी डब्ल्यू माइनस होगा तो व्हाइट आई होगा डब्ल्यू प्लस होगा तो रेड आई यानी यहां पर जो जीन डाला था वो रेड का था और जिससे साथ को इंजेक्ट किया था वो था व्हाइट आईज का यानी कि ट्रांसपोजिशन बहुत एक्टिव नहीं हुआ एफ वन में क्योंकि एफ वन क्या देख रहे हो जर्म सेल्स में व्हाइट आई माने सेल्स तो हैं कलर देखो आप डब्ल्यू प्लस का वो कलर यहां दिख तो रहा है बट येलो कलर भी दिख रहा है ट्रांसजीन भी दिख रहा है आपको राइट तो दोनों मिक्सचर है कहने का मतलब लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहां पे कौन सा है डब्ल्यू माइनस ठीक है बेटा. अब W प्लस वाले हैं रेड आई जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुई जीवन में जब आपने इनकी मेटिंग कराई विद द ये वाले तो यानी इससे क्या पता चलता है कि रेड वाला जो ट्रांसजीन डाला था वो काफी डोमिनेंट है उसने सप्रेस कर दिया व्हाइट आई फ्लाइज को. एक तो ये प्रोजनी मिली दो और दो प्रोजनी जो मिली जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म हुई अगर ट्रांसफॉर्म हुई तो रेड ट्रांसफॉर्म हुई तो रेड नॉन ट्रांसफॉर्म हुई तो राइट क्लियर हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट है ना क्लियर हो गया ना अच्छे से. तो ये दिमाग में रखना कि कुछ भी आपको डिजाइन करेंगे अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इतना रिवीजन नहीं चाहिए आप खाली दिमाग में सोचना दो दिन बस दो दिन सोचना वो परमानेंट पार्ट में चला जाएगा ब्रेन की फिर कभी भी क्वेश्चन देंगे आई विल नॉट गोइंग टू. तो कल हमने ये डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक बाई ये पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं आजकल इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते जितना मैं पढ़ा रहा हूं पूछते हैं सरफेस पे ये पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है बाय यूजिंग द पी एलिमेंट कैन यू जनरेट ट्रांसजेनिक फ्रूट फ्लाइज और एनी एनिमल तो आंसर विल बी यस. ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये लेटेस्ट डिस्कवरी है ना सारी बुक में ये देखो वहां पे भी नहीं है लोटिस में भी नहीं है राइट मैंने किसी इंटरनेट किसी आर्टिकल से लिया है पी एलिमेंट का यूज करके वी कैन जनरेट द ट्रांसजेनिक फ्लाइज है ना. तो अगर वो इंसर्ट हुआ यानी ट्रांसफॉर्म हुआ तो जो ट्रांसजीन था वो इफेक्ट आएगा नॉन ट्रांसफॉर्म में पहले वाला ही तो दो तरह की प्रोजेनी आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म ठीक है ना. तो वी आर यूजिंग द पी एलिमेंट डिफेक्टिव पी एलिमेंट और डोनर में एक्टिव पी एलिमेंट याद रखना बस ये याद रखना डोनर में वी आर यूजिंग एक्टिव पी एलिमेंट ठीक है. दिस इज गोइंग टू हेल्प वी आर एक्टिवेटिंग द ट्रांसपोजिशन ऑफ द जीन क्यों यहां जीन भी है पर पी एलिमेंट है लेकिन अगर मान लो उल्टा कर दें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी है ना. अगर उल्टा कर दें फिर क्या होगा बेटा अगर यहां पे जीन है और यहां पे पी एलिमेंट है फिर क्या होगा फिर उल्टा हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा. यस सर राइट बात समझ रहे हो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये अपनी जीन को लगेगा इंसर्ट करने ट्रांसजीन को रिप्लेस कर देगा ये नॉन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा. सक्सेसफुल यही होगा जब डोनर एलिमेंट भी हो और पी एलिमेंट साथ में लगा. अब यहां पे देखो फिर से एक्सपेरिमेंट को उस नजरिए से देखो हमने डाला तो यहां पे क्या आया न्यूक्लियाई आप देख रहे हो ये इसका जो पी एलिमेंट एक्टिव था मार्कर जीन वाला सारा न्यूक्लियाई आया है ना. अब नाउ न्यूक्लियाई कंटेनिंग द ट्रांसपोर्ट डोनर डीएनए अब दिखा रहा है ना उसे न्यूक्लियाई कंटेनिंग द ट्रांसपोर्ट डोनर डीएनए यानी जो ट्रांसपोजिशन एक्टिव हुआ तो इसने इंसर्ट किया जो डिफेक्टिव पी प्लाज्मिड वाले सेल्स थे उसमें अपना जीन इंसर्ट किया बट फिर भी आपको एफ वन में व्हाइट आईज आई बिकॉज अभी जर्म सेल में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो कितना परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ व्हेन वी आर मीटिंग विद द नॉन ट्रांसफॉर्म देन 50% इज द ट्रांसफॉर्म एंड 50% इज द नॉन ट्रांसफॉर्म
50-50 पी एलिमेंट का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये नोट कर सकते हो। व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पी एलिमेंट, है ना, कि पहले तो F1 में नो एक्सप्रेशन अब ट्रांसजीन, देख रहे हो ना, नो एक्सप्रेशन, अगर F1 में कोई नहीं, F2 में यू आर गेटिंग 50%, जिसको रिकॉम्बिनेंट कहते हो, दिस इज ट्रांसफॉर्म 50% नॉन ट्रांस, दिस इज वेरी सिमिलर टू द बैक क्रॉस, है ना, F2 में क्या वेरी सिमिलर टू बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करते हो, टेस्ट क्रॉस ज्यादा अच्छा टर्म है, रिसेसिव से कर रहे हो ना, हाँ W माइनस से करो, W माइनस यहां भी था, ठीक है बेटा, दिस इज क्लियर। तो ये आपको बहुत पक्का हो गया कि इफ एनीवन इज आस्किंग कि पी एलिमेंट यूज करके ट्रांसजीन कैसे बना सकते हो, डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन, राइट। डोनर प्लाज्मिड कंटेंट थ्री नेसेसरी एलिमेंट, ट्रांसजीन, मार्कर जीन, राइट, एंड प्लाज्मिड एंड द रेसिपिएंट क्रोमोसोम दैट लैकिंग द पी ट्रांसपोजेस, डिफेक्टिव ट्रांसपोजेस, इन दिस एग्जाम्पल द मार्कर इज डोमिनेंट W plus एलील विच कन्फर्स रेड आई कलर, द रेड ब्रैकेट इंडिकेट द सेगमेंट ऑफ डोनर प्लाज्मिड, मतलब एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है ना। अब चलो आ जाओ ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर ले, क्योंकि आज ही खत्म ही करना है, ठीक है बेटा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में वेरी सिंपल, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें हमने क्या लिया है, वे लिया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, व्हाट इज द टारगेट, बोलो, टारगेट इज ट्रांसजेनिक, वी हैव टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, ट्रांसजेनिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, ओके बेटा, हमारा टारगेट ये। अब हमने क्या लिया, TI प्लाज्मिड लिया, TI प्लाज्मिड के फीचर क्या है, T रीजन है, वीर रीजन है, वीर रीजन इज वेरी सिमिलर टू, बताओ दिस फंक्शन इज सिमिलर टू ट्रांसपोजेस, फिर एड फॉरेन डीएनए, कौन सा फॉरेन डीएनए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट डीएनए, ठीक है ना, इसमें हमने कर दिया। नाउ अब क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस इनटू एग्रोवेक्टर ट्यूमिफेशन, होस्ट सेल है ये, ओके होस्ट सेल है, अब होस्ट सेल में इंटीग्रेट करके वीर को, वीर तो एक्टिव हो जाएगा, TI प्लाज्मिड का बड़ा पोर्शन है, देख रहे हो, अब हमें रेड वाला इंसर्ट करना है, तो रेड वाला इंसर्ट हो गया एंड दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग इनसाइड द लीफ, लीफ सारी एक्सप्रेस कर रही है इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन को, दिस इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट बाय यूजिंग द प्लाज्मिड, पहले तो कौन सा प्लाज्मिड यूज करोगे, TI प्लाज्मिड, व्हाट इज द फीचर ऑफ TI प्लाज्मिड, ट्रांसपोज़ोम, दे कंटेन ट्रांसपोज़ोम, वीर इज होमोलोगस टू, बोलो ट्रांसपोजेस, है ना, ये जहां जाएगा इंटीग्रेट करेगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेगा फॉरेन डीएनए को, तो फॉरेन डीएनए भी हमने देखो इसके टी रीजन में इंसर्ट कराया, तो फॉरेन डीएनए कहां पर इंट्रोड्यूस करोगे, फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन विल बी इंसर्टेड इन टू द टी डीएनए, देखो यहाँ पे टी डीएनए था ग्रीन कलर का, यहाँ पे ग्रीन कलर है लेकिन बीच में आ गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, तो ये हमने TI प्लाज्मिड को नहीं छेड़ा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट TI प्लाज्मिड है ना, वी रीजन भी वैसे है लेकिन टी रीजन जो ग्रीन कलर का था उसमें हमने इंसर्ट करा दिया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ठीक, तो जहां जहां गिर जाएगा वहां वहां फॉरेन जीन जाएगा, फॉरेन जीन के साथ टी डीएनए भी जाएगा, तो इजिली यू कैन क्रिएट द ट्रांस, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस इन टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिंग फेसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिंग फेसिस, तो इंटीग्रेशन हो गई, फिर प्लांट के साथ आप प्लांट सेल में डाल सकते हो, देन वो एक्सप्रेस करेगा, जीनोमिक में आपने जीनोमिक में कर दिया, जीन लेवल पे मॉडिफिकेशन किया, जीन लेवल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रांसजेनिक प्लांट्स,
तो आपको ऐसे कई लेबोरेटरी मिलेंगे। देखो अभी क्या है, अब आप मेरे से यहाँ पे आया है तो आई कैन टेल यू व्हाट इज द रेलेवेंस इन लर्निंग ऑल दीज हाईटेक थिंग्स। सो देखो सबसे ज्यादा पेइंग इंडस्ट्री कौन है, इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पे करती है आपको, राइट, क्योंकि वो नॉवेल काम कर रही है। अब ये बना रही तो ऑब्वियसली नॉर्मल सीट कितने का मिलेगा, है ना, मे बी 200 रुपए के जी मिले, है ना, बट ये कितने मिलेगा, ये 1200 रुपए के जी मिलेगा। आप समझ रहे, तो आपको पे यहां ज्यादा मिलेगी बिकॉज यू आर क्रिएटिंग सच थिंग्स। तो लर्निंग का ये फायदा, यू कैन स्टार्ट योर ओन सेटअप योर इंडस्ट्री। अभी मैं सोच भी रहा था, मेरी टीम बन नहीं पाई, अदरवाइज मैंने सोचा था कि 7-8 लाख रुपए लगते हैं एक लेबोरेटरी सेटअप करने में नॉर्मल, है ना, PCR लगा लो तो हाईटेक हो जाती है, ठीक है, एंड देन यू कैन फर्मेंटर वगैरह ले लो तो फिर आप ट्रांसजीन करके बैक्टीरिया मॉडिफाई करके, जैसे मान लो लैक्टिक एसिड, बहुत सारा पॉलीमर भी यूज होता है, तो मैंने सोचा था कि लैक्टिक एसिड वाला जीन किसी हाईटेक बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके और ओवर प्रोडक्शन करा दें तो वो इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी। आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हो, पैकिंग करो और लैक्टिक एसिड मार्केट में सेल कर दो फर्मेंटेशन से, तो उसी से आपका 5-7 लाख रुपये मंथ आ जाएंगे। अब सिलेक्शन की बात आती है कि हाउ टू सेलेक्ट, है ना, द ट्रांसफॉर्म जीन। तो मुझे लगता है आज छोड़ देते हैं, कल डिस्कशन करते हैं, ओके सर, राइट, अभी काफी पक गए होंगे, हाँ, तो कल थोड़ा पढ़ोगे।